किया और गिरे हुए काम वो सारे इस मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर जिम्मा ले रखा है कि मैं गिरे से गिरे जितने भी कुकर्म है वो सब में मैं ही आगे रहूंगा, मैंने फर्स्ट पोजीशन रखनी है, किसी और को आने नहीं देना। ये 15 अगस्त को जो संदीप सिंह से झंडा फहराने के लिए जो इसने एक लिस्ट जारी की है, मैं उसका विरोध करने के लिए आज इनसे मिलने के लिए यहाँ पे आई थी। पर देखिए एक आतंकवादी हूँ, चंडीगढ़ पुलिस बोल रही है कि हम मुख्यमंत्री को यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये देखिए जैसे मेरे हाथ में पता नहीं AK-47 है, पिस्टल है, मैं सब कुछ लेके आई हूँ, जैसे ही मुख्यमंत्री दिखेंगे मैं हमला कर दूंगी। तो ये इन्होंने बैरिगेटर वगैरह लगा के और ये देखिए पूरा यहाँ पे अपना काम दाम छोड़ के थाने से यहाँ 3 सेक्टर की पुलिस है, ये सबके सब आ गए रोकने के लिए कि आप ऐसे कैसे आप अंदर नहीं जा सकते। तो मिलने के लिए जी हाँ, मैं उनसे मिलने आई थी और साथ ही मैं उनसे ये सवाल करने आई हूँ कि क्या संदेश देना चाहते हैं वो हरियाणा में हमारे देश में बेटियों के और औरतों के खिलाफ, ये कुकर्मी कैसे बार बार झंडा फहराने के लिए वो सबसे आगे कर रहे हैं, जबकि जो भाजपा के जो अध्यक्ष हैं जो भी इनकी पार्टी के वो मंत्री को कहीं से कहीं तक घुसने नहीं देते हैं, और ये जो सीएम है, सीएम ने तो अपना इनके लिए तो क्या शब्द ही नहीं है मेरे पास, पर कोई बात नहीं, ये हर बार ये ऐसा घटिया काम क्यों करते हैं, वो जो तिरंगा है दिन रात हमारे फौजी भाई मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, दिन रात अपनी जिंदगी दांव पे लगा के वो इस झंडे को इस तिरंगे की शान को प्रोटेक्ट करने में लगे हैं, और एक घटिया और एक कुकर्मी मुख्यमंत्री जो कि संदीप सिंह का बिल्कुल दूसरा भाई है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मीडिया को सारी को प्रेशराइज किया जाता है, अपोजिशन का तो चलो एक बी लीडर में गट्स नहीं है कि वो इस बेटी के लिए एक बार आवाज उठाएं, कोई एक बार ही खड़ा होकर सवाल करे ऐसे गिरे हुए मुख्यमंत्री से, कोई बात नहीं, मैं आज भी उतनी मजबूत हूं और चंडीगढ़ पुलिस देखती हूं कब तक चार्जशीट नहीं देगी। ये भी रहा, मेरी तो हर तरीके से ट्रेनिंग बैन करवा रखी है 4 महीने से, मेरा काम रुकवा दिया गया है, मेरा तो चलो चल ही रहा है, लेकिन इस मुख्यमंत्री को भी मैं बताऊंगी कि हर बेटी एक जैसी नहीं है, इनकी ना बेटी ना शायद इन्होंने अपनी जिंदगी में किसी औरत की कभी इज्जत करनी सीखी है। तो देखिए किस किस भी आप पे, ये सवाल मेरा नहीं, हर उस देश की है, मेरे मुंह पे तमाचा नहीं है, हर बेटी के मुंह पे तमाचा है, ऐसे रेप करने वाले जबरदस्ती करने वाले लोगों को ये पूरा प्रशासन कैसे नाजायज सिर पे बिठाए बैठा है, और तिरंगे पे ऐसे कैसे हाथ लगा देगा उस तिरंगे को, ये तिरंगा सबका है, सबका अधिकार है इस देश पे, इस देश में। आपने इसको लेकर समय मांगा था? मैंने समय मांगा, मैं तो बार बार मांगती हूँ, आज तक 8 महीने में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कभी मुझे टाइम नहीं दिया, वो मुझे फेस किस मुंह से करेंगे जब उस कुकर्मी को बचाने के लिए लगे हुए हैं, तो किस मुंह से वो मेरा सामना करेंगे। मैं आई थी आज उनसे सवाल करने कि क्या आपने कसम खा रखी है हर गिरा हुआ काम करने की, इतनी आपकी उम्र है, किस ओहदे पे बैठे हैं आप, आपको तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए कहीं पे। और ये मेरी मुख्यमंत्री के साथ साथ मैं ये प्रधानमंत्री जी से एक अपील करना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता ये खबर जाएगी नहीं जाएगी कहीं, लेकिन ऐसे कुकर्मी मुख्यमंत्री को हटा दीजिए, वरना आपकी पार्टी का मुझे नहीं पता ऐसे गंदे लोग देश में कोई ठीक इंसान होगा उसके ऊपर भी किसी का विश्वास नहीं रहने देंगे। थैंक यू।